उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयकर विभाग और जीएसटी की जांच में चाट, पान, चाय और अन्य चीजों की छोटी दुकान चलाने वाले कम से कम 256 विक्रेता करोड़पति निकले। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अलावा इन व्यापारियों ने एक पैसा टैक्स का नहीं दिया। जांच में पता चला है कि इन लोगों ने 375 करोड़ से अधिक की संपत्ति खरीदी की है। सड़क किनारे ठेले खोमचे में पान, खस्ते, चाट और समोसे बीच बीच कर सैकड़ों व्यापारी करोड़ों में खेल रहे हैं। गली मोहल्ले में छोटे छोटे किराना और दवा व्यापारी भी करोड़पति है। फल बेचने वाले भी सैकड़ों बीघा कृषि जमीन के मालिक है। आपके पास शायद एक ही कार हो, लेकिन कुछ कबाड़ियों के पास तीन तीन कारें हैं। लेकिन ये न तो आयकर के नाम पर एक पैसा टैक्स दे रहे हैं, न ही जीएसटी। बिग डेटा सॉफ्टवेयर, आयकर विभाग और जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जांच में ऐसे 256 ठेले वाले करोड़पति निकले हैं। देखने में गरीब दिखने वाले छुपे धन्ना सेठों पर आयकर विभाग की लंबे समय से खुफिया नजरें थी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी ने खुफिया करोड़पतियों को पकड़ना शुरू कर दिया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से बाहर इन व्यापारियों ने एक पैसा टैक्स का नहीं दिया, लेकिन चार साल में 375 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली। आर्यनगर की दो, स्वरूप नगर की एक और बिरहाना रोड की दो पान दुकानों के मालिकों ने कोरोना काल में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है।